हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चॉकलेट बिस्किट पुडिंग विदाउट एनी चॉकलेट। मैं ये रेसिपी बिना चॉकलेट के यूज़ के बनाऊँगी। आप देखिए कि किस तरह से हम ये रेसिपी बनाते हैं। बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन लिया है, इसमें 1 गिलास दूध डाला है। इसमें एक उबाल आने देंगे और चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें मलाई ना पड़ जाए। देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल दूंगी और इसे चलाते हुए हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। गैस को फुल फ्लेम पे रखेंगे। देखिए ये दूध गाढ़ा हो गया है। हमने इसे 8 से 10 मिनट तक चलाते हुए पकाया है। अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। ये 1/4 कप शक्कर लिया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हो मीठा। इसे भी चलाते हुए मैं शक्कर को अच्छे से मिला लूँगी। हम इसे 3 से 4 मिनट तक और चलाते हुए पका लेंगे। इसे लगातार चलाते रहिए जिससे कि इसमें मलाई ना पड़े। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 4 मिनट हो चुके हैं। ये बॉर्नविटा जो बारिश के मौसम में सील जाता है, बड़े बड़े से डेले बन जाते हैं, या हम एयर टाइट कंटेनर में ना रखें तो भी वो सील जाता है। तो मैंने उसको डबल बॉयलर पे रख के मेल्ट कर लिया है। मैं इसमें 1 चम्मच मेल्टेड बॉर्नविटा डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और इसे भी 1 से 2 मिनट तक इसमें कुक होने देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे लगातार चलाते रहिए जिससे कि इसमें लम्स ना बने। देखिए ये हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये मिक्सचर देखिए अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे और इसे मिक्स करके गैस को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने रखेंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक। जब तक चॉकलेट का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, ये मैंने चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं। हम इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये मैंने 8 से 10 बिस्किट्स लिए हैं। हमने इससे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। हमें बिल्कुल चूरा नहीं करना है। हमने 1 गिलास लिया है। अब मैं ये बिस्किट डालूंगी इसमें।
अब हम इसमें चॉकलेट वाला मिक्सचर डालेंगे। अब हम फिर से थोड़ा सा बिस्किट डालेंगे। फिर से हम एक और लेयर बिस्किट की लगाएंगे साइड से, और एक लेयर फिर से हम चॉकलेट मिक्सचर की लगाएंगे। अब हम चॉकलेट बिस्किट पुडिंग को फ्रिज में एक घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। अब हमारा चॉकलेट बिस्किट पुडिंग बनके तैयार है, वो भी विदाउट चॉकलेट। हमने इसे कैरेमलाइज शुगर के पीसेस से गार्निश कर लिया है। आप चाहे तो इसे चॉकलेट को ग्रेट करके या चॉकलेट सिरप डाल के भी गार्निश कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी यूज़फुल रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।